गाइस देखिए गांव में कितनी ठंड पड़ रही है अभी। तुम जाना देखिए लोग क्या कर रहे होंगे, लोग घूर ताप रहे होंगे, एकदम धुंध है। ये गाड़ी भाई कोहरा ही कोहरा और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि क्या बताया। और ये देखिए आज ब्लॉग के लिए आपको ले चलेंगे 4 लेन पे, देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। वहाँ से रेलवे ट्रैक और 4 लेन के अब से 2 लेन के ही, चूँकि 2 ही गाड़ी आवागमन होती है। देखिए गाड़ी से क्या कर रहे हैं, ये हम आ गए अपने गांव के लोहार पट्टी में, जहाँ पे लोहार लोग लोहा वाला काम करते हैं। गांव घर की बकरियाँ ठंडी बहुत ठंड करते थे, लोग घूर ताप रहे हैं, आग ताप रहे हैं ठंडी में। तो देखिए यहाँ भी एक मूर्तिकार है जो मूर्ति उर्ति बनाता है। ठंड है, कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रही है, मुझसे आवाज़ भी नहीं आ रहा अपना। देखिए जहाँ देखिए वहाँ आपको लोग मिलेंगे। अच्छा बोरिंग में आवाज जल्दी। देखिए गाइस ये अम्मा जो है बोलता पाई थी, माय गॉड नया रूट बन चुका है। ये लड़के का तैयार है फोन से। देखिए हाँ ये हमारे बाबा एक है जो एक गर्लफ्रेंड है उनका घर है। मजाक किया दोस्त, बहुत ही गजब बाबा है वो। देखिए खेत की हरियाली भी दिख रही है लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा, कोहरा ही कोहरा इतना ज़्यादा ये है कि आगे का तो रोड नहीं दिख रहा है। इसमें ना ही कोई लाइट ना ही कोई सोर्स काम करता है, बस आपको अपने एक्सपीरियंस अंदाजा से चलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ख़तरनाक है दोस्त, बोर है यहाँ पे, खाई की भी दिक्कत हो सकती है। पहले अपना बोर्डिंग पर चल के देखते हैं वहाँ पे कोई है या नहीं, उसके बाद पूरे देवता जी उग गए हैं। लेकिन इतना धूप नहीं आ पा रहा है, अभी भी धुंध ही धुंध है। सूर्य देवता दिख रहे होंगे, रोड अभी कच्ची है, बैठने के बाद इस रोड में मरम्मत किया जाएगा। अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30। हाँ देखिए 8:30 में भी अभी सूरज की धूप नहीं निकली। ये देखिए हमेशा की तरह हमारे जो बाबा है वो आग ताप रहे हैं। ये मूर्तियाँ रही कतार में। ये बाबा की हाल चा और चाचा रहेंगे। बोलिए क्या हाल है? ठीक हाल है। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम। और सब बताइए आग ताप रहे हैं? आग ताप रहे हैं और मुँह धो रहे हैं। हाँ, चाय पानी नहीं हुआ अभी? चाय पी लिए हैं। चाय पी लिए, पीने के बाद मुँह धोते हैं? हाँ। अच्छा चाय पहले पी सकते हैं? चलिए। हाँ वो लड़का गया है घर ना, पुल पर गए। पुल पर देखे उधर जा रहा था। अच्छा फिर नया मूर्ति देखिए बन रहा है, मूर्ति का ऑर्डर बढ़ते जा रहा है इसीलिए फिर नया मूर्ति का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए गाइस ये वाला मूर्ति अभी बहुत कम बचा है, चूँकि इतने सस्ते दामों में इतने अच्छे मूर्तियाँ दी जा रही है कि गाइस जैसा आप कहिएगा वैसा मूर्ति बन के तैयार, जिस रेट में कहिएगा उस रेट में बन के तैयार, इसीलिए मूर्ति की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और तो मूर्तियाँ गोदाम में हैं। ये देखिए गाइस ओ और मूर्ति लेके लोग चला भी गया इतना पहले, और ये मूर्ति का फेस इतना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग, ओह माय गॉड। अभी पटपन का काम रुका हुआ है। देखिए गाइस ये रहा बोरिंग, ये रहा मोटर और ये रहा पाइप।
अब मैं आपको दिखाऊंगा, फोर लेन पे जाऊंगा टहलने जरा, तो वहाँ का नजारा मैं आपको दिखाऊंगा। एक बाबा देखिए, चाचा लगेंगे, मुंह धो रहे हैं एकदम एकदम चमका देंगे। धो रहे हैं ना, क्या चीज से मुंह धो रहे हैं? दतुन है। क्या चीज का है दतुन? नीम के। तो देखिए गाइस, नीम का दातुन है, बगले में नीम का पेड़ है, मैं दिखा दो गाइस। बांस से भी लोग, बैम्बू के भी दतुन से लोग क्रिया करते हैं। ये गाइस नीम का पेड़ रहा, दिख रहा है गाइस, ये वाला नीम का पेड़ रहा, इसे दातुन भी उपलब्ध होता है। और ये गाइस देखिए फ्लावर वगैरह, और देखिए सरसों का फ्लावर, और देखिए सूर्य देवता अभी भी हल्की हल्की सी रोशनी वहाँ से आ रही है, मतलब हल्का हल्का सूर्य देवता दिख रहे हैं। धूप कहीं बाद में आया, अभी धूप तो नहीं, उगने का कोई चांस नहीं। आज धूप उगेगा? हाँ। लगता है आपको? हाँ। देखिए चाचा कह रहे हैं तो धूप उगेगा ही। हाँ। इनका बात अचानक सच होता है। इन्होंने भविष्यवाणी किया था हमारे गाँव के मुखिया जी के बारे में, वो जीत गए थे। बहुत बड़े बाबा हैं ये, जनकपुर जाते हैं, धाम जाते हैं, हमेशा तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। अभी एकदम मामूली से रूप में है, लेकिन ये साधारण बाबा नहीं है, असाधारण अद्वितीय बाबा हैं ये। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कोई छलका नहीं देना है हमको। हाँ 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 हाँ, देखिए देखिए इस पे भी कह रहे हैं आशीर्वाद देना है। चलिए घूमने, घूमेंगे, चलिएगा अभी, ठंड लग रही है, चलिएगा घूमने। तो चलिए फोर लाइन में घूमने चलते, नहीं चाय वही पी लीजिएगा, आज यहाँ नहीं बनाना है, यही पर रहेंगे, यही पर रहेगा, ठंड है, इसकी वजह से मैं इनको ज्यादा तंग भी नहीं करूंगा। ठीक है फिर आगे चलते हैं। देखिए गाइस एक नया फ्रेम बना है इस पोस्टर के लिए, जो मूर्ति कलाकार साहब हैं और ये म्यूजिशियन भी हैं, इन्होंने फ्रेम बनाया है। अभी आपको बोला था कि चलेंगे फोर लाइन पे, तो वहाँ भी इसको टांगना पड़ेगा प्रचार के लिए। ठीक है फ्रेम को बांधा गया है, फिर वहाँ पे लाकर टांगेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए गाइस ये जो है अपना, क्या लगेगा तुम मेरा रे बुआ? इधर देखो, इधर देखो, शर्माना नहीं है, बोलो क्या लगेगा तुम, पकड़ो। भतीजा, भतीजा लगेगा। देखिए इस भतीजा जो है ये बहुत ही चुलबुल लड़का है, जरा इसका माइक टेस्टिंग कर रहे हैं कैसा आ रहा है, जरा चेहरा दिखाइए, बहुत ही हैंडसम लड़का, देख रहे हैं? हाँ तो बोलिए कुछ कहना चाहेंगे आप जी? क्या बोलिए, कहाँ चलने के विचार है अभी? फोलाइन पर जाने के विचार है। फोलाइन पर चलिएगा, क्या क्या करना चलिएगा? पोस्टर टांगने, पोस्टर टांगने। देखिए गाइस ये पोस्टर जो तैयार हो रहा है, और ये फोलाइन पर चलेंगे पोस्टर टांगने के लिए। जी जी, बहुत ही शांत लग रहा है लड़का, लेकिन शांत नहीं है, बहुत बदमाश लड़का है ये। जब मूर्ति सब बन रहा है इस पर, आप क्या करना चाहेंगे, क्या अपना विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे इस मूर्ति सब पे, बोलिए बोलिए। देखिए गाइस माइक आने पे अच्छे अच्छे का जो बोली है ना वो रुक जाता है, इसको हेजिटेशन हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, कुछ बोलिए। चलिए शर्मा रहा है, फिर बाद में आपको इनसे मुलाकात कर, धीरे धीरे इनका ये जो है हेजिटेशन दूर होगा। समा चुके हैं, ये जिनिस लाल जी का दुकान है, ये उनका लड़का है, और ये पोस्टर टंगवाई हो रहा है इस पेड़ पे, यहाँ से ये फोर लेन का व्यू है। अभी इतना ज़्यादा कुहासा है, तो गजा मैं रखवाया था, उन दोनों काम करना पड़ेगा। प्लीज आप पकड़ भैया, ऐसे पकड़ रही है जो नहीं हो गया। चलिए धन्यवाद भैया जी पकड़ने के लिए फोन। ओहो बहुत ज़्यादा कुहासा है, लगाइए वहाँ पे, लगाइए बीच में मिडिल में। उतर गया और मूर्ति का पोस्टर जो है वहाँ पे हो चुका है, तो दुकान पे देखिए बहस चल रहा है दोनों में। हाँ आप का नहीं करूँ बस, सुता दो भाई फोलर में, सुता दो भाई। देखिए दोनों में नोक झोंक रहा है। हो गया जी, हो गया कंप्लीट, चलिए जरा चलते हैं। देखिए गाइस फोर लेन पे हम लोग आ चुके हैं, चला रहे हैं, ठंडी बहुत ज्यादा है, पीछे मूर्ति कलाकार साहब बैठे हुए हैं, पीछे एक लड़का आ रहा है। कितना कोहरा है, देखिए कार इतना स्लो चला रहा है लोग, चूंकि कोहरा की वजह से है कि नहीं। और ये सूरज भी उगने वाले हैं, सूरज देवता। और फोर लाइन पे मोबाइल लेकर आना बड़ा ही रिस्की होता है, क्योंकि लोग फोन छीन के भाग जाता है, तो माइंड में इसका भी डर बने रहता है। साइकिल चला रहे हैं, फिर गर्मी प्रदान हो रही है, ठंडी तो वाकई ज़्यादा है।
आप देखिए गाइस, सबसे डेंजर जोन जो 4 लाइन का है हमारे गांव के बगल में, जहां पे रेलवे ट्रैक और 4 लाइन दोनों एक साथ मिलता है, वहां का व्यू मैं आपको दिखाता हूं। गाइस, ट्रेन की साउंड आ रही होगी, इसी 4 लाइन से नीचे से ट्रेन गुजरी है, लेकिन धुंध के वजह से दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे मतलब चढ़ाई बहुत सारा है, नीचे कितना डेंजर जोन है, बहुत ही कोहरा है कोहरा। और हम पुल की ऊंचाइयों पे, ट्रेन पास हो चुकी है। देखिए गाइस, यहाँ पे गुमती शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ी मेन पुल है, यहाँ से मैं आपको दिखलाता हूँ गुमती कहाँ पे। देखिए गाइस, यहाँ पे दिख रहा है शायद रेलवे फाटक, और ये नीचे कितनी ऊंचाई है, ओह माय गॉड। ये देखिए रोड का पूरा सीन, और ये सूर्य देवता एकदम थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहा है, आज लगता है धूप होगा ना। और ये कुछ लोग हैं शायद, ये लोग कौन है, वो डोम है ना, ये लोग देखिए एक बार ट्राइब होते हैं डोम, जो खाना बदोस बोलते हैं, जहाँ तक अपना घर बना के रहते हैं। और ये लोग दौरा डगरा सुपली, ये घर के काम वाले चीज़ को बीनते हैं। देखिए वो कारीगर काम कर रहे हैं उसी का, बैम्बू का जो है लकड़ी का, एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ बनाते हैं। लोग तबके से बहुत गरीब होते हैं, और जहाँ तहाँ भ्रमण करते हैं, जहाँ मान लीजिए ज़मीन सरकारी है आप घर बना लिए, और ये लोग शुअर पालते हैं ना, समाज में इन्हें बड़े ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब का जो नया जनरेशन है सबको एक समान मान रहा है। पुराने लोग का है ना अभी भी सोच ज़रा छोटा है, तो जात पात मानते हैं छोट नीच, लेकिन ज्यों ज्यों शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है ये सब खत्म होते जा रहा है, लेकिन इनकी गरीबी अभी ख़त्म नहीं हो रही है। इनके में भी शिक्षा की कमी है क्या, शिक्षित होंगे तो ये भी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देखिए, उनको भी लोग कहते थे कि जो इन्हीं के कास्ट से बिलोंग करते थे, इतने नीचे तबके से आकर कितना ऊपर गए हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। शायद इनको इस बात बताइए, संविधान का रचयिता बने, और शायद इन लोगों को इस बात का इल्म है या नहीं, अगर ये लोग जानेंगे कि हमारे तबके से लोग उठकर इतना बड़े आदमी बने, सोचिए इन लोगों का मोटिवेशन कितना हाई होगा, और ये लोग भी आगे कितना आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा पेट्रोल पंप, और वहाँ पे सब्जी मंडी, और पेट्रोल पंप पे जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट का ट्रक आकर रुकता है, जहाँ पे फूड है, सारे फूड का जो है सप्लाई चेन जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का वहीं से होता है, वहीं पे आके रुकता है, मैं दिखाऊंगा आपको। और बालू भी यहीं से जाता है ना, बालू भी मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का समझिए 0 माइल है वो, है ना, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का समझिए वो 0 माइल है। वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट से कंट्री से जहाँ से भी सामान आता है वहाँ पे रुकता है, और वहीं से सारा कारोबार होता है। चलिए मैं गाइस, मैं आपको आगे दिखाता हूँ।